क्या कर रही हो मम्मी? हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। छोटो को ढेर सारा प्यार, बड़ों को पेरी बोना जी। गाइस, थैंक यू वेरी मच अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए। और हमारी एक बड़ी प्यारी सब्सक्राइबर है कृषा, उसने हमारे मेथड से मैगी बनाई और उसको बहुत अच्छा लगा। एंड शी इज एनकरेजिंग मी अ लॉट, उसने मुझे बहुत एनकरेज किया। थैंक यू वेरी मच बच्चा, कि आप लोगों का सपोर्ट और आपका प्यार है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए गाइस, आज सुबह का नाश्ता हमारा बन रहा है गोभी के परांठे, यम्मी एंड डिलीशियस। और मैंने आज आरव को स्कूल नहीं भेजा क्योंकि कल उसका SST का एग्जाम है, उसके बाद मंडे को फिर एग्जाम है। और सबसे बड़ी बात, ये एग्जाम्स के बाद कुछ ही दिनों में, लाइक हफ्ते के गैप के अंदर, इनके 60-65 मार्क्स के सेमेस्टर स्टार्ट होने वाले हैं, मिड टर्म एग्जाम। तो बहुत ही टेंशन है अभी पढ़ाई की, बच्चों की, अपने बच्चे की भी, और हमारे जो ट्यूशन के बच्चे हैं वो भी हमारे अपने हैं, तो उनकी भी पढ़ाई का बहुत स्ट्रेस होता है अभी आजकल ना। यहाँ से बस मैं आपको क्या बताऊँ एग्जाम टाइम में। तो अभी मैं बना रही हूँ गोभी का पराठा, आरव का मोस्ट फेवरेट है ये, क्योंकि आरव खाता है गोभी का पराठा वाइट बटर के साथ। उसको और कुछ मत दो, मेरे हाथ के पराठे और वाइट मक्खन दे दो चारों टाइम, ही विल लव इट, उसको इतने पसंद है। तो कई बार वो मुझे बोलता भी है कि मम्मी पराठे की दुकान खोल लो, दोनों माँ बेटे बैठ के संभालेंगे। चलिए देखते आगे क्या करते हैं हम। फिलहाल तो अभी हम बनाने लगे गोभी का पराठा। आरव इधर दिखाओ गाइज, ये देखिए मैंने ये पराठे के लिए मतलब पेड़ा बनाया, उसके अंदर गोभी भरी, थोड़ा सा अधूरा सूखा आटा लगाया, और गोभी के अंदर जो हमारा बैटर बना हुआ गोभी का, उसमें लहसुन और अदरक हल्का सा मैंने ग्रेट करके डाला हुआ है, नमक मिर्च अजवाइन डाली हुई है। और अब इसको हम बेलेंगे और हम इसको सर्व करेंगे। तो सर्व करते समय मैं आपको दिखाऊंगी गोभी का पराठा। गाइज, मेरा भी नाश्ता बन चुका है और सेम गोभी का पराठा। आरव ने तो शुरू भी कर दिया, वेट भी नहीं किया मेरा, उसको भूख लगी एक्चुअली पराठा देखकर। तो ये देखिए, ये है मेरा नाश्ता। गाइज ये देखिए, गोभी का पराठा, अचार और चाय। गाइज ये देखिए, ये हमारे अंदर के रूम में जो पंखे की हालत है, इसमें से कितनी मिट्टी निकल रही है देखिए, ये इतना गंदा है। मैंने रात को कल नोटिस किया जब मैं सोने लगी थी कि इस पे तो बहुत ज्यादा गंदगी इकट्ठी हो गई है, पता नहीं अंदर वाले कमरे में इतना ज्यादा गंद कैसे इकट्ठा हो गया। तो अब बस अभी इस पंखे की सफाई हो रही है और बहुत सारा गंद इसमें से निकल रहा है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए याक, इसकी वजह से ना इन पंखों के ऊपर जो इतनी इतनी मिट्टी जम जाती है, इनकी वजह से इनकी स्पीड स्लो हो जाती है। अभी पूरा साफ करने के बाद जब इसको चलाएंगे ना, घर करके चलेगा मजेदार हवा। कैसे चलेगा? बहुत है। कैसे चलेगा? घर करके चलेगा। वही ना यार, आज आरव को स्कूल नहीं भेजना, मैंने कहा चल थोड़ा सा फालतू फालतू का काम निपटा लूं, बहुत टाइम ही नहीं होता, इतना बिजी शेड्यूल हो जाता है काम करने के लिए, बस फटाफट होता भागा दौड़ी करो। तो ये हो गई हमारे पंखे की सफाई, और कितना सारा गंद निकला इसमें से आप देख ही रहे हैं, कैसे कैसे गिरता जा रहा है। चलिए गाइस, ये तो हो गया हमारा पंखा ऑल इन क्लीन, और नीचे हो गया बहुत सारा गंद। तो मैं आपसे मिलूंगी सफाइयां करने के बाद। गाइज ये देखिए, ये अभी हमारा बर्नू सिंह सोकर उठा है अपनी नींद पूरी करके, और कुत्ता हमें पूरी रात सोने नहीं देता ढंग से। अब ये ना मेरे पीछे पीछे घूमेगा जहाँ मैं जाऊँगी, ये देखो आप, क्यों अब ये सीधा मेरे पीछे पीछे आएगा, क्योंकि इसको चाहिए खाना, और इसको पता है खाना मैं दूंगी इसको। तो मैं जहाँ जाऊँगी आप देखते रहिए, ये बिल्कुल मेरे पीछे पीछे आता जाएगा कि भाई हाँ मुझे पहले खाना दे फिर तो कुछ काम कर। इसकी यही हरकतें तो प्यारी लगती है देखिए, मैडिया बेचारा। चल आजा दे दूँ, आजा 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 खा ले, आजा बुनू बुनू क्या खाएगा। गाइस ये देखिए, ये भागा आया मेरे पास, आजा 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 आजा, अब मस्ती मत कर दादा, आजा आजा, तेरा खाने का टाइम है। हाँ अब बताओ क्या चाहिए आपको, क्या खाना है। गाइस मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये आपको एक कोना नज़र आ रहा है, यहाँ पे मैंने दीवार पे ना लाल मिर्च लगा दी है, क्योंकि ये ना दीवारें पुरट पुरट के खाता है पूरी, तो इसको सीधा करने का यही तरीका था, और उसके बाद ही दोबारा उस कोने में गया नहीं है। देखिए ज़रा इसको, मैं अभी काम वाम करके हटी हूँ सारी सफाई करके, और मैं नहाने जाने की तैयारी कर रही थी फेस पैक लगाने के बाद, कॉपियाँ चेक करने के बाद, और ये महाशय जी उठ गए, अब इनको पहले इनका खाना दे दें, उसके बाद हम अपनी कॉपियाँ चेक करने में लगते हैं। 2000 years later गाइज, मैं नहा धो के बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ, और बाहर हल्की हल्की बारिश हो के, बारिश बंद, उमस बढ़ जाएगी, गर्मी बढ़ जाएगी, और मेरे बच्चे आने शुरू हो गए हैं। और आज है थर्सडे, आज मैंने पूरा येलो येलो पहना है, मेरा फेवरेट कलर। और मैं बना रही हूँ आज हलवा, सूजी का हलवा बांटने के लिए। रेशो मैंने आपको बताया था, ये देखिए, जितनी सूजी उतनी चीनी, और उतना ही मैंने घी लिया था, ये आधा किलो चीनी है, सॉरी आधा किलो सूजी आधा किलो चीनी, और ये देसी घी हमारा गर्म हो चुका है, और अब मैंने देसी घी में पूरी सूजी पलट दी, और अब हम धीरे धीरे इसे ब्राउन करेंगे।
गाइस ये देखिए वाइट सूजी हमारी भुनकर ब्राउन हो गई है। सबसे मुश्किल काम बस ये सूजी भूनना ही होता है और सूजी भूनकर ब्राउन हो गई है। अब मैं डालूंगी इसमें चीनी। ये देखिए जितना सूजी का क्वांटिटी थी उतनी ही मैंने चीनी डाली है और अब इसको मिक्स करके इसमें डबल क्वांटिटी में डलेगा पानी। ये देखिए गाइस सूजी में चीनी मिक्स हो गई है और अब मैं पानी डालूंगी और कैमरे में नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि मुझे हिलाना पड़ेगा दोनों हाथों से पकड़ के वरना इसमें गांठें बन जाएंगी। तो पानी डालने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस ये देखिए मैंने इसमें पानी डाल दिया है और पानी डालते डालते अब मैं इसको अच्छे से हिला रही हूँ और तब तक हिलाना है जब तक ये पानी पूरा सूख ना जाए। ये देखिए गाइस हमारा हलवा ऑलमोस्ट रेडी। ये देखिए जब ये ऐसे अलग से गिरने लग जाए ना तो बिल्कुल चिपके नहीं तो आप समझ जाइए कि आपका हलवा बिल्कुल रेडी है। सूजी का हलवा, ये गुरुद्वारे वाला कड़ा प्रसाद नहीं है, ये आज हमने बनाया है सूजी का हलवा। और मेरे स्टूडेंट्स आने शुरू हो गए हैं, हलवा बन चुका है तो मैं आपसे मिलूंगी शाम को बच्चों को पढ़ाने के बाद और फिर हम बांटेंगे हमारे एरिया में प्रसाद। कहाँ जा रहे हैं मम्मी इस बार? ट्यूशन की छुट्टी हो चुकी है और अब हम जा रहे हैं प्रसाद। और कैमरामैन मैं हूँ इस बार। हाँ कैमरामैन आ रहे हैं, प्रारंभिक एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से हो चुकी है, चलिए चलते हैं। हेलो सेमी, आई बोल दे मॉडर्न पंडित जी कह रहे हाय गाइस जय साईनाथ जी। प्रसाद भोग लगा दो। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर योर वेलकमिंग ऑल साईं डिवोटीज। जय साईनाथ जी। गाइस मैं अभी घर पहुंची हूँ और कल आपको दिखाया नहीं था कि प्रसाद में क्या है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। गाइस ये देखिए, ये हमने चढ़ाई थी नारियल की बर्फी आज मंदिर में प्रसाद के लिए। और अब रात को मैंने बनानी है भिंडी और बहुत सारे चावल कल के पड़े हैं, उनको मैं फ्राइड राइस वगैरह कर दूंगी। तो ये है हमारा डिनर और मैं आपसे मिलती रहूंगी काम करते हुए, लेकिन भिंडी भिंडी की रेसिपी मैं शेयर नहीं कर रही, वो पहले हो चुका है, तो बने रहिए हमारे साथ। क्या कर रही है मम्मी? तूने ब्लॉग शुरू भी कर दिया, मुझे बताया भी नहीं। देखिए गाइस इधर आइए, ये मैंने आपको बताया था कि मैं भिंडी बनाऊंगी। ये देखिए भिंडी और सुपर डिलीशियस भिंडी हमारी बन चुकी है। ऑल द बेस्ट आप सबकी तरफ से, मैंने आरव को ऑल द बेस्ट बोल दिया है और आज का व्लॉग हम यहीं एंड कर रहे हैं। बता रहा ब्रूनो क्या कर रहा था? ब्रूनो आपका टॉयलेट वाला पोछा अपने मुंह से खींच के ले जा रहा, बड़ा गंदा है कुत्ता, बड़ा ही गंदा। चली गाई और लोग कहते हैं बड़ा प्यारा प्यारा, बड़ा बदमाश है गुंडा सा। तो मैं आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ, मिलूंगी आपको कल अपने नए व्लॉग में। और कल के व्लॉग में मैं चलो कल ही बताऊंगी आपको, आई नहीं बता रही। और इसी तरह से हमें बहुत सारा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को और भी सेट कर दीजिए ताकि मेरी सारी वीडियोस आप तक आती रहें। और ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्माइल करते रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए। एंजॉय, गुड नाइट, बाय बाय।